We must merely make a start. एंड गाइज, ये जो आप पीछे देख रहे हो इसको बोलते हैं लंबीदार माइंस, जो कि यहाँ पे जिनके साथ हम आए हैं, जो हमारे कैंपिंग गाइड है, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे 50,000 जो माइन वर्कर्स थे उनकी एक साथ डेथ हो गई थी। तो दिस इज़ द सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन दी कंट्री, और फर्स्ट वाला फिर भी अपना भानगढ़ी है भैया। पानी के लिए लड़ रहा है, पानी के लिए, बस इसीलिए लड़ रहा है क्योंकि दो नंबर के लिए, पीने वीने से कोई मतलब नहीं है। सर्दी भाई बहुत बता तो दे कम से कम, बनाऊंगा ना यार। आदमी सब्सक्राइब मत करो। इसको इनको लिंक भी बता देना मेरा इंस्टाग्राम का। किनको? सुधांशु DX। बिल्कुल डालेंगे। हाँ तो वो कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कर लेंगे। मेरी वीडियो बनाएगा ना फिर तू? अभी यार बढ़िया फोटो, तो पिक्चर बनाऊंगा। वीडियो क्या पिक्चर बना देगा तू? मेरी साले गाइस, सुधांशु रील बनाते हुए ये 3-4 साल से एक ही पोज में रील बना रहा है। ये से 40-50 रील मिल जाएगी आपको ऐसी। अपन ऐसा करेंगे, सुधांशु के पापा को लिंक भेज देंगे। सबसे बढ़िया है। ये आया कॉलेज देखने। ये कॉलेज हमने देखा था। ये कॉलेज है। गाइस अभी यहाँ पे, हाँ माइक ऑन है। गाइस अभी यार लाइट नहीं है, लेकिन पीछे का नजारा अल्टीमेट है। मतलब मजा आ रहा है एकदम। जो आदमी मतलब भीड़ भड़के से सिटी एरिया से आया हो, फिर उसको एकदम से ऐसे पहाड़ दिख जाए, एकदम से तो अजम नहीं होता। लेकिन पर उसने बढ़िया लग रहा है ना बेटी, यहाँ भाई सीन बन गया। रात को तो नहीं जा सकते, मस्त लग रहा है यार। अब ये देख के सब्सक्राइब कर देना गरीबो। सो गाइज, आई वॉन्ट टू शो यू दैट हम रात को इस टेंट में रुके थे, एंड इसमें 4 जने हम आराम से मां गए थे यार। और बढ़िया, ये जो कैंपिंग वाले थे इन्होंने ही प्रोवाइड करवाया था सब कुछ। और अब मैं आपको इसके बाहर का भी सीन दिखाता हूँ। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। गाइस ज़्यादा मतलब है ना, मुझे देख के ये मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा आराम आराम से एकदम इतनी ऊंचाई पे आ गया। आदमी की घोड़ी बन गई, ठीक है, और घोड़ी एक जने की नहीं बनी, ये बंदे आए थे हमारे साथ में, ये 3-4, इन सब की भी घोड़ी बन गई। अभी मैं हूँ 6,500 फीट की ऊंचाई पे, ठीक है, सामने आपको हिमालयाज दिखा रहा हूँ, और इस जगह का नाम है जॉर्ज एवरेस्ट पीक। जॉर्ज एवरेस्ट का हाउस जो है वो वहाँ पे नीचे है, ठीक है, लोग वहीं तक आके रह जाते हैं, हम पीक तक आए हैं। यह है 7,000 फुट की ऊंचाई। गाइस मैं जनरली ट्रैक करता नहीं हूँ, और अभी का जो मैं चढ़ के आया हूँ, ये चीज़ मैं शूट करना भूल गया क्योंकि मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई थी। मेरा जो व्लॉगिंग सेटअप है वो दिव्य के साथ आ गया था, तो इसलिए मैं आते टाइम तो शूट नहीं कर पाया, जाते टाइम आपको बताऊँगा कितनी ज़्यादा मेहनत करी है इस व्यू के लिए। ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। और ये बढ़िया बंदे दिख रहे एकदम दिल्ली के लौंडे, वो हमारे साथ थे, दिल्ली के कड़क लौंडे, सख्त लौंडे। और ये इनको देख के आप कंफ्यूज मत होना, ये है इंडिगो में, और भाई साहब
मतलब हमारे यहाँ पे राजस्थान में ऐसा होता है जो कोई प्लेन वाली कंपनी में होता है ना उसकी रिस्पेक्ट अलग ही होती है, तोरा ही अलग है वो उसका तोरा अलग है क्योंकि हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट होते हैं कम और फिर कोई ऐसे कहते भाई ये तो इंडिगो में है, तो मैं खुद चौंक गया मैंने कहा इंडिगो में कैसा होता है। 2 साल पहले घूमने गया था ठीक है कसौली, उसके बाद कभी हिल स्टेशन जाने का मौका नहीं मिला, वही ऑटो वही 10-10, 20-20 रुपए में इधर उधर बैठ के जाना, ज़्यादा से ज़्यादा ये कोटा से चट्टानेश्वर वगैरह यहाँ सब चल जाना। उसके बाद ये चीज़ देखने का ना आनंद अलग ही आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही भगवान हूँ आज तो भाई, यहाँ पे तपस्या करने बैठ जाता हूँ मस्त। सामग्री नहीं है, सामग्री नहीं तो बैठ जाता। सीरियसली एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वैसे तो इधर क्या है धूप आ रही है तो वैसे तो मैं इतना ऊपर आता नहीं, पर इस बंदे ने मेरा सही में ईगो हर्ट करा था ये कह के कि भाई ये तो यही फैल गया, यू हो गया, यू हो गया, मैं तो ऐसे जा रहा हूँ वैसे जा रहा हूँ। फिर इस बंदे ने कम से कम 40-50 बार मुझे समझाया कि जहाँ हम खड़े वही पी के तो यहीं से वापस चल लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ आने के बाद मेरा तो सीधा सा था हाँ कि ये थोड़े फिटनेस के उसमें भी डालता है हाँ। तो यार थोड़ी तो फिटनेस वाली चीज दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल भाई मैंने प्रूव कर दिया, अब मैंने प्रूव कर दिया ना, अब कर दिया और धनुल्टी में भी चल सकता हूँ मैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अबे वहाँ पे अटक गए थे यार, डर लग रहा था कि सही जा रहे नहीं जा रहे, बस वही बात है यार उसमें क्या, तुम तो यार मतलब बिल्कुल भी फिटनेस सब कुछ BMI नाप लो यहाँ पे, वो ज्यादा बार चढ़ा भी नहीं ना इसलिए दिक्कत है। और इतनी ज्यादा पीक पे आने के बाद हम नशे ना करें ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हम हमारे साथ में लाए चुटकी। चुटकी इज माय फेवरेट तो नहीं, पर यही तो टास्क है, उसकी तरह खाऊं क्या, उसकी तरह ये एक बार पकड़ उसकी तरह खा के बताता हूँ भाई यार का मजा चुटकी में। हाँ भाई यहाँ तो जब तक यहाँ नहीं रहा भाई ना तो मतलब कोई वो नहीं है। ऐसा लग रहा है आपको, बहुत अच्छा लग रहा है, दांत में से निकाल के बताएं पिचकारी तुम्हें। नहीं अभी मत निकालिए, थोड़ा अंदर लीजिए, यही तो टास्क है। ये टास्क दे रहे हैं आप हमें, बिल्कुल टास्क करते करते इतनी ऊपर आ गए, कैसे खा रहे हो यार, टास्क करते करते इतनी ऊपर आ गए, अब क्या और ऊपर पहुँचा दोगे क्या टास्क करते करते। अगर ब्लॉग करता तो कैसे करता, एक इंट्रोडक्शन, मतलब जैसे मान ले मैंने तुझे ये पकड़ा दिया, ले यार ब्लॉग कर प्लीज, कैसे करेगा व्लॉग। मैं चाहता हूँ केशव गौतम को व्लॉग करते देखना, व्लॉग कर, नहीं कर रहा। हम तोड़ गए जब तुम चुके से तुम नजर में आ रुके, हम तो हो गए जमा धीरे धीरे कलम, अब तो होना है वही जो बनाए जाना, हम तो हो गए जमा धीरे धीरे कलम, अब तो होना है वही जो बनाए जाना, हम तो So guys, this was all for this vlog and I hope you really enjoyed this vlog. All the good cinematic shots were taken by my friend Sudhanshu and he excels at product photography and things related to that, and I will mention the contact in the description down below, you can contact him. And I hope you like this video, please share this to your friends and family, this will help me directly and help my channel grow. And agar aap mere channel ke liye naye ho to please subscribe to the channel. हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास एक बेल नोटिफिकेशन आएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, एक धांसू व्लॉग और आने वाला है, बाय।